हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्राहिम शेख। जिस तरीके से लोग कन्फ्यूज़न है लोगों में कि लॉकडाउन लगने वाला है, कब लगेगा, आज लगेगा, कल लगेगा, दिन पहले एक ऐलान किया था कि जो लॉकडाउन होगा वो नाइट कर्फ्यू होगा, 8 बजे के बाद लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगेगा और सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन होगा। लेकिन आज 6 तारीख आज एक ऐसा नोटिफिकेशन आया कल रात में कि जो पूरा लॉकडाउन होगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है विरोधी पक्ष नेता थाने के, हम उनसे बात करेंगे क्या क्या फॉलो है, क्या क्या गाइडलाइंस है। शानू भाई, किस तरीके की गाइडलाइंस दी गई है? अभी जैसे कि हमने देखा है कि सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन था उससे पहले कहा गया कि 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू होगा, आज अचानक से पूरा लॉकडाउन किया गया। TMC के लोग घूम रहे थे, दुकानें बंद कर रहे थे, तो क्या है पूरा मामला बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद पब्लिक में और जो प्रशासन है उसमें गाइडलाइन को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप है, आशंका है। लेकिन लॉकडाउन आप समझिए कि 30 तारीख तक पूरा लॉकडाउन है। अति आवश्यक सेवा है, जैसे आप भाजी, दूध, बेकरी, होटल का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी आके आपके पास कस्टमर ले खिला नहीं सकते होटल। अगर आप टेलर है तो आप दुकान बंद करके आपके ग्राहक का सी सकते हैं कपड़ा और उसको डिलीवरी कर दें, दुकान के अंदर सी सकते हैं। हाँ, दुकान के अंदर बंद करके सी सकते, बंद करके आप उन कस्टमर के आपके कपड़े सी सकते हैं और उसको डिलीवरी, होम डिलीवरी पहुँचाएं। ओके, आपके दुकान पे गर्दी नहीं जमा कर सकते। ऐसी सर्विस शो के लिए मंडे टू थर्सडे तक और फ्राइडे टू मंडे सुबह तक, मतलब संडे की मॉर्निंग तक, मंडे तक मतलब अर्ली मॉर्निंग तक कड़क लॉकडाउन है। उसमें भी अति आवश्यक सेवा है, उसमें एक गाइडलाइन ये है कि आप होटल में आपके कस्टमर आके ले भी नहीं सकते, आपको डिलीवरी देना पड़ेगी। दूध, मेडिकल्स और ऐसी सर्विसेज शुरू रहेंगी, लेकिन उसमें पब्लिक बाहर नहीं आ सकती। आपको फ्राइडे टू मंडे आप ऐसे घूम नहीं सकते। मतलब जनता कर्फ्यू जैसे लेकिन जनता कर्फ्यू में ऐसा था कि आप पहले जैसा था, आप मेडिकल को जा रहे, आपकी ट्रेन की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, आप पेशेंट को लेके जा रहे, आप दूध लेने जा रहे, पाव लेने जा रहे, यही चीज़ के नहीं कारण को आप छोड़ सकते, आप ऐसा घम घूम नहीं सकते। और आम दिनों में हमारे पास जो भाजी मार्केट है, कपड़ों की मार्केट पूरी तरीके बंद, कटलरी से जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वो जो रोज़मर्रा चीज़ें, जो रोज़ अति आवश्यक सेवा है, वो चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को बंद रखा है। मॉल बन रखा है, सिनेमा थिएटर बन रखा है, गार्डन बन रखा है, पार्क, जिम बन रखा है, ऐसी कई चीज़ें जिसको बन रखा है। सर, जैसे कि कहा जाता है कि रेड जोन जो होता है उसमें लॉकडाउन कड़क किया जाता है, लेकिन मुमरा में 10 से 15-20 केस आ रहे हैं, तो क्या ये रेड जोन में आता है? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला है, महानगर पालिका का फैसला नहीं है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने ये फैसला ली हुई है, लेकिन जिसके लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिए लोगों की जान की चिंता करते हुए, ऐसे में मैंने माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब से ये मांगनी भी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांगनी है, महापालिका से मांगनी है कि जब ये सारी चीज़ें की जा रही है तो ये मिडिल क्लास और गरीब है, उसको पेट का लॉकडाउन नहीं रहता, 24 घंटे में उसको कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। जो कटलरी मार्केट वाले, जो कपड़े के व्यापारी लोग हैं वो क्या करेंगे, सलून वाले वो क्या करेंगे, ऐसी सेवा के लोगों को वो क्या, उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप, वो फिर एक महीने के बाद फिर ये महीना सफ़र करेंगे, फिर आज रमज़ान और ईद और भाई फेस्टिवल आ रहे, फिर उनकी सेवाएं बंद, फिर उनके रोजी रोटी को दुकानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कैबिनेट को फैसला लेना चाहिए तुरंत कि स्कूल की फीसें भी उतने टाइम तक के लिए नहीं ली जाएगी जब तक कि पढ़ाई नहीं ली जाएगी। ऑलरेडी लोगों के पास पहले के स्कूल के बोझ है, कई स्कूलों ने यहाँ पर कमाया है शहर से और उसके बावजूद भी ऐलान करने के बाद अपनी फीसें माफ़ नहीं की, जबकि मुझे बहुत शर्म के साथ बोलना पड़ता है कि ऑनलाइन के बहाने उन्होंने अपनी फीस पूरी ली है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, केंद्र गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन तय करना चाहिए कि जब पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, क्योंकि लोगों पे एक तरीके से फीस का बोझ, एक तरीके रोजगार का बोझ और दूसरी तरफ बीमारी का बोझ, तो ये सारे बोझ आम जनता सहन नहीं कर पाती है। हम सबको मिलकर इसमें से निकलना पड़ेगा कोरोना से, और थाने महानगर पालिका को भी चिंता है कि पेशेंट बढ़ रहे। अच्छी बात यह है कि आज महानगर पालिका के पास बेड अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास बेड अवेलेबल है। मैं गली न्यूज़ के माध्यम से यह सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे पास ग्लोबल
जुपिटर के बाजू में पार्किंग प्लाजा, वोल्टास, ऐसी कई जगहों पे बेड अवेलेबल है, और जिनके जिनको साहिब माल है उनके लिए 50% थाने के कई हॉस्पिटल में कोविड रिजर्वेशन बेड रखा है। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है ऊपर वाला ना करे, अल्लाह से हम दुआ करते कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, एमरजेंसी ना लगे, अगर लगती है तो हमने माननीय जितेंद्र अवार्ड जी से बात करके रखा है और गवर्नमेंट के साथ महापालिका के साथ बात करके कलवा और मुमरा का हॉस्पिटल भी तैयार रखा है, ऐसे में ज़रूरत पड़ी तो उसको भी तुरंत शुरू करा जाएगा। जिसको जिसको 7 साल 8 साल से काम शुरू है बहुत जल्द, मैं जिस दिन से मेरे को माननीय जितेंद्र अवार्ड जी ने मेरे मुमरावासियों ने विरोधी पक्ष नेता बनाया मेरे दुआओं से, उस दिन से वो हॉस्पिटल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत जल्द सारी मशीनरी का ऑर्डर दे दिया गया है, जो जो सेंट्रल एसी है वो यूनिट को कई 4 महीने लगते, वो भी ऑर्डर दे दिया गया है, बहुत जल्द उस शहर को हॉस्पिटल शुरू करके दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे खुशकिस्मत है कि हमारे पास गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने 2 हॉस्पिटल बनाया कलवा मुमरा का, वो भी रेडी है, जिसकी मशीनरी बीच में थाने महानगर पालिका के आरोग्य विभाग ने दूसरी जगह शिफ्ट करी है। गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के कंप्लेंट के बाद वो तुरंत मशीनें वापस आ गई है और हॉस्पिटल रेडी पोजिशन में है, ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी हॉस्पिटल शुरू करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हम एक और ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ मैं कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं जिनको कोविड पॉजिटिव रहती हैं उनको ख़ास तौर से उनके लिए ये सूचना है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए महानगर पालिका ने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल और होराइज़न हॉस्पिटल वहाँ पे इंतज़ाम किया है, वो हमसे कांटेक्ट करें, उनको अगर उनकी डिलीवरी करना है और सीजरी या नॉर्मल डिलीवरी वो सारा खर्च महानगर पालिका करेगी, ऐसे में उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजरी डिलीवरी हमारी महिलाओं के लिए, वो पूरा खर्चा महानगर पालिका करने वाली है, ऐसे में कोई दिक्कत होती है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, महापालिका से कॉन्टैक्ट करें, अपने स्थानीय कॉरपोरेटर से कॉन्टैक्ट करें, हम उनकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। और ऐसे ही बेड जो है कोविड के पेशेंटों के लिए वो महापालिका के पास अभी भी अवेलेबल है, जिनको नहीं मिलता है वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनको एडमिट कराने का पूरा इंतज़ाम करेंगे। और हमारे पास 2 हॉस्पिटल बैकअप में रेडी है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी तुरंत शुरू करेंगे। ठीक है सर, जैसे कि जिस तरीके धर्म जो स्थल जो थे वो भी मस्जिदें भी वहाँ भी नमाजें नहीं हो रही, हमने देखा है कि ताले लगे, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या गाइडलाइंस है? देखिए गवर्नमेंट ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबके लिए गाइडलाइन तय करी और उन्होंने ये कहा है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। सबसे बड़ी चिंता उनको ये है, महापालिका को भी और गवर्नमेंट को भी, कि अगर ऐसे में पेशेंट की संख्या ज़्यादा और बढ़ गई और हॉस्पिटलाइज कम पड़ गए तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, ऐसे में क्या करेंगे, ये उसके लिए सब किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे में जब तक आप लॉकडाउन करते हैं जनता को फ्री राशन देना चाहिए, स्कूल फ्री देना चाहिए और मेडिकल सर्विसेज फ्री देना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। नहीं तो आप और मैं हम गवर्नमेंट में बैठ के खाली लॉकडाउन बोल देंगे तो जनता का पेट कौन भरेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बीमारी का इलाज कौन उठाएगा, जैसे कि हमारा उनकी फीस कौन भरेगा, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। गरीब तबके का एरिया है, बहुत चिंताजनक बात है, लॉकडाउन से ज्यादा और कोविड से ज्यादा चिंता लोगों को पेट की है, तो महानगर पालिका और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और यही हमारी मांग है, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। शानू पड़ा ने जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में लोगों की मदद की, इस बार भी सड़क पर उतरेंगे क्या? जिस दिन से लॉकडाउन का मैंने सुना हूँ उस दिन से बहुत चिंता है शहर की, और मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि अल्लाह कैसे इस महामारी के अंदर हमारी जो शहर है, हमारा जो थाने महानगर पालिका है, इसके लिए हम सेवा कैसे पहुँचा सके और ज़रूरत पड़ी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी ज़रूरतों का निज़ाम सिर्फ अल्लाह पूरा कर सकते, लेकिन आपसे यकीन दिलाते कि हम हर मामले के लिए यहाँ पे खड़े रहकर शानू पठान पूरी जान की ताकत लगा देगा, पूरी एनसीपी, पूरी टीम और कई संस्थाएं, शानू पठान ने नहीं, कोविड की महामारी में ऐसे एनजीओ ने, ऐसी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है जो काबिले तारीफ है, और ऐसे शहरवासी को मैं सलाम करता हूँ जो आज भी इस शहर में मौजूद है
वो सब हमारे साथ में मिल बैठ के पहले भी काम किए थे बिना बोले बिना दावत दिए और आगे भी काम करेंगे, ये यकीन है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, कल इनसे बात करेंगे।